अगर बंदरों की नजर ना पड़े तो। कूलर वाला चाय साहब। सर्कस में छोटे से भालू को साइकिल चलाते हुए देखा है। अगला की गोल रोटी से ना तुम लोग को मार्क्स भी गोल गोल अंडे जैसे ही मिलेगा। यूं ये सब वर्दी बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं क्योंकि हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं विचेस वंडर लाइफ का एक और नया ब्लॉग। और आज का ब्लॉग ना कल वाले ब्लॉग का जस्ट दोपहर के बाद से ना कंटिन्यूशन वाला पार्ट है। लड्डू लड्डू खा लो। एक लड्डू दूसरे लड्डू को कैसे खाएगा? क्योंकि प्लांट्स सभी मैंने छत पे रखे हैं और बारी बारी से पानी देने में उसको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारे जो यूज एंड थ्रो वाले बॉटल है ना उसमें पानी भर के मैंने इस एरिया में रख दिया है। आज मेरा और मौसम का मिजाज ना कुछ अलग सा ही है। देखिए मुझे लग रहा है ना कि आज बारिश होगी होगी क्योंकि बादल इतने छाए हुए हैं ना, तो जल्दी से छत पे आ गई हूँ सारे कपड़े ना नीचे लेके जाने के लिए। एंड यहाँ देखिए समायरा बाबू को एक्स्ट्रा लड्डू नहीं मिले बोल के मुंह लटका के बैठी हुई है। नन्नू मुन्नू नन्नू मुन्नू नन्नू मुन्नू मुन्नू कुचु कुचु। लुक छुप लुक छुप जाओ ना टिंग टिंग टिंग। टमाटर के फूल खिल गए हैं, अभी टमाटर भी लगेगा अगर बंदरों की नजर ना पड़े तो। कितना सुंदर लग रहा है इसका फ्लावर। ₹10 कूलर वाला चाय सब। ₹10 मैं हमेशा संजू से कहती हूँ कि एटलीस्ट घर में आके तो फौजी वाले ड्रेस छोड़ के नॉर्मल टी शर्ट पहना करो, लेकिन वो नहीं सुनते मेरी बात। हमेशा मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि अभी भी वो ड्यूटी पर ही है। वेल आज का मौसम ऐसा है ना तो संजू ने बोला जल्दी से डिनर रेडी कर दो, खा के थोड़ा सा बाहर टहलने जाते हैं। बारिश वैसे हुई नहीं, मुझे लग रहा था बारिश होगी लेकिन मौसम थोड़ा सा ना ठंडा हो गया है, तो जल्दी जल्दी फटाफट मैं यहाँ गरम गरम रोटियाँ बना दे रही हूँ। अरे टूट जाएगा साइकिल, टूट जाएगा। कर लिया शौक पूरा। मैं नहीं, मुझे ये सब शौक नहीं। देखा ना पहली बार कुछ सर्कस में छोटे से भालू को साइकिल चलाते हुए देखा है। अगर नहीं देखा है तो आज मेरे ब्लॉग में देख लीजिए। संजू भी ना मुझसे क्या क्या करवाते रहते हैं, वो अपना बचपन का शौक पूरा करेंगे। समायरा को साइकिल चलाता देख उनका मन मचल गया साइकिल चलाने को, मेरे को चढ़ाया तो मैं तो चला ही नहीं पाई, कॉमेडी हो गया पूरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए रात को टिप टिप करते करते काफ़ी बारिश हुई है, रास्ते वगैरह भीगे लग रहे हैं मेरे को, और सुबह उठते ही ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। कोई नहीं, हम किचन में आ गए हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। चाय के लिए मैंने दूध बिठा दिया है, अभी पराठा रेडी करना है। जब भी मैं घर पे इस टाइप का ट्राइंगल पराठे बनाती हूँ ना, मेरी बचपन की एक याद बहुत ही ताज़ी हो जाती है। वो है कि एग्ज़ाम के दौरान ना मेरी मम्मा हमेशा ट्राइंगल परोठा बनाती थी। कभी मैंने उनको रीज़न पूछा कि मम्मा क्यों ट्राइंगल एग्ज़ाम के टाइम ही बनाते हो ट्राइंगल परोठा, तो उन्होंने बोला कि गोल रोटी से ना तुम लोग को मार्क्स भी गोल गोल अंडे जैसे ही मिलेगा। हालांकि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन उनकी सोच में कितना इनोसेंस छुपा हुआ था आज मैं वो रियलाइज़ करती हूँ। क
कल का जो सब्जी था ना, चना और पनीर वाला, वो थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये ब्रेकफास्ट में यूज़ कर लूँ। साथ में थोड़ा सा खीर रखा हुआ है, तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। तो लीजिए, रुक रुक के बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, और कल जो कपड़े मैंने डाले थे ना, वो कुछ कुछ अभी भी भीगे हुए हैं, तो चेयर पे ना मैं उसको फैला फैला के डाल रही हूँ, प्लस इधर थोड़ा सा ना खिड़की के पास भी मैं डाल दे रही हूँ, सो दैट हवा लग के ये थोड़ा सूख जाए। चाय गरम बिठा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी सर्दी सी लग रही है। बाहर का हाल देखिए, इतना क्लाउडी वेदर हो गया है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। कल शाम को भी ऐसा कुछ नहीं था, रात को भी पता नहीं चला, लेकिन शायद हमारे सोने के बाद बारिश स्टार्ट हुई है। बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम टाइम, मतलब बच्चों को तो स्ट्रेस रहता ही है, लेकिन डबल स्ट्रेस माओ को रहता है। और समायरा को ना थोड़ा सा, हम लोग घर गए थे तो काफ़ी सारा गैप हो गया, तो इसके दौरान ना मैं देख रही हूँ कि समायरा काफ़ी सारे जो सम उसको इजीली आते थे वो सब भूल बैठी है। नेक्स्ट उसका मैथ के एग्ज़ाम है, वैसे तो उसको मैथ्स में बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हाँ अभी जैसा सिचुएशन है उसकी वजह से मुझे बैठ कर समायरा को एक एक सम पकड़ के फिर से रिवाइज कराना पड़ रहा है। ना सर्दी, तब से बोल रही हूँ फुल ड्रेस पहनो, फुल ड्रेस पहनो, आ जाओ। आज तो काम करने का भी मन नहीं कर रहा, लग रहा बस गरम गरम चाय पीते रहूँ, और बारिश हो रही है बाहर, अभी तो नींद भी आना शुरू हो गया है। घर का काम आज कैसे होगा पता नहीं, बट आज मौसम की ऐसी डिमांड है कि भैया आज आराम करो, कोई काम मत करना। लेकिन हाउसवाइफ कहाँ आराम से रह सकती है, सोचा तो था आज आराम से पूरा दिन स्पेंड करूँगी, लेकिन काम की चिंता में मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई। फ्रंट वाले रूम में ना जितने भी भीगे कपड़े बिखरे हुए थे उनमें से कुछ कपड़े सूख भी गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी को मैं फोल्ड कर दूँ, और बाकी जितने कपड़े थे उनको एज इट इज़ मैंने वैसे ही रख दिया है। कवर देखने से ऐसा लग रहा है कि इसको भी रीऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बस वेट कर रही हूँ समायरा के टेस्ट फिनिश होने के, फिर काफ़ी सारा टाइम रहेगा मेरे हाथ में, मैं इन सब कवर को ना एक एक करके रीऑर्गेनाइज कर दूँगी। संजू के जितने भी सारे वर्दी हैं ना, वो सारे मैं यहाँ प्रेस कर दे रही हूँ, ये सब वर्दी बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं क्योंकि आर्मी के ना नए पैटर्न के वर्दी आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर राइस बिठा दिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ी फ्राई कर ले रही हूँ। कल जो साग दिखाया था ना, मैंने बेथुआ वाला साग वॉश कर रही थी सुबह, उसी को आज लंच के लिए बनाने का सोचा है। एक कढ़ाई में थोड़ा सा रांधुनी डाल के यहाँ पपीता फ्राई होने के लिए मैंने डाल दिया है। धुला हुआ मूंग दाल मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा ना इसको फ्राई कर लेंगे इसी के साथ ही। दाल थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर ऐड करते ही इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी, इसको फिर से हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। आप सेम इसी तरीके से लौकी डालकर भी इसी दाल को बना सकते हैं। पानी डाल के अभी इसको थोड़ी देर ढक के हम उबालने के लिए छोड़ देंगे। फ्राइंग पैन में मैंने डाल दिया है कलौंजी और लहसुन का तड़का लगाने वाली हूँ क्योंकि इसमें हम बनाने वाले हैं बेथुआ साग। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन थोड़ी देर पे ना पानी छोड़ देगा ये और थोड़ा सा हो जाएगा अपने क्वांटिटी में। समायरा को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें सिर्फ दो मिर्ची ही डाल रही हूँ, और प्लस अभी मैं इसमें डाल दूँगी जो बड़ी हमने फ्राई किया था ना उसको। मैंने यहाँ पर ना जस्ट बड़ी को थोड़ा सा क्रश कर लिया है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शेप में थे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मूंग दाल विद पपीता बन चुका है। लास्ट में ना गार्निशिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश धनिया। दोबारा से इसको थोड़ा चला के ना जितने भी बड़े बड़े पीसेस पपीता के रह गए हैं उसको मैं करछी से ही ना कट कर दे रही हूँ।
सो देखिए साग रिड्यूस होके कितना हो गया है। एक दूसरे बाउल पे ना पूरा साग मैं निकाल ले रही हूँ, सो दैट फ्राई पैन मुझे फ्री मिले नेक्स्ट काम के लिए। वेल अभी मेरा और समायरा दोनों का नहाना हो गया है, बैठ के हम सिर्फ संजू का ही वेट कर रहे हैं। मिरर के नीचे ना मैं एक बॉक्स लगा रही हूँ जिसमें मैंने बहुत डिज़ाइन का वॉलपेपर लगाया है, और ये जो बॉक्स है ये सिंपल एक कुकी का ही बॉक्स है जिसमें से कुकी तो हमने खा लिया है लेकिन बॉक्स मैंने नहीं फेंका। इसको मैं काम में ला रही हूँ कुछ इस टाइप से। मिरर के नीचे इस बॉक्स को मैंने प्लेस किया है सो दैट जो कॉम वगैरह है ना वो हम लोग यूज़ करके इसी में रखें और जब भी ज़रूरत पड़े तो इसी से हम निकाल पाएँ। डबल साइडेड टेप एंड सेलो टेप के हेल्प से मैंने इस बॉक्स को ना दीवार पे ही फिक्स कर दिया है। वेल बाहर ना खिली खिली सी धूप निकली है एंड ये है हमारा लंच, राइस मूंग दाल विद पपीता बेथुआ साग और गरम गरम ऑमलेट। वेल फ्रेंड्स समायरा के एग्ज़ाम की वजह से ब्लॉग में शायद गैप आपको देखने को मिलेंगे लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। तो या आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।